बिहार में मस्तिष्क बुखार का कहर, 15 दिन में 80 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री बोले, इसके लिए नियति जिम्मेदार। बिहार के मुजफ्फरपुर में शनिवार को मस्तिष्क बुखार से 4 बच्चों की मौत हो गई। इस बीमारी से राज्य में 15 दिन में 80 बच्चों की मौत हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक चैनल से कहा कि बच्चों की मौत के लिए न प्रशासन जिम्मेदार है और न ही सरकार, बच्चों की नियति ठीक नहीं थी, मौसम भी इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ने इलाज के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। बच्चों की मौत हो चुकी है मुजफ्फरपुर में 77, समस्तीपुर में 5, वैशाली में 5, मोतिहार में 1 बच्चे की जान गई है। 2 बच्चे किस जिले के है इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं मिली। मुजफ्फरपुर के SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में पिछले 15 दिनों में 77 बच्चों की मौत हो चुकी है। SKCM में 6 बच्चों की हालत गंभीर है, यहाँ अभी 80 बच्चों का इलाज चल रहा है। केजरीवाल अस्पताल में भी 6 बच्चों की स्थिति नाजुक है, यहाँ 25 बच्चों का इलाज चल रहा है। दोनों अस्पताल में अभी तक 288 बच्चे भर्ती हुए हैं। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।